आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि युग मर चुका है? सिक्स सेंस मैडम जी, हम पुलिस वालों का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है, क्राइम और क्रिमिनल की शक्ल देख के सब बता देते हैं। और आपके केस में तो मेरे कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह तो आप दोनों, आपकी आंखें और आपकी बातें एक दूसरे को मेल नहीं खाती हैं। मतलब ये कि आपकी बातों में तो कॉन्फिडेंस दिखता है पर आपकी आंखों में नहीं दिखता। और जिस तरह से हम पुलिस वाले और मेरी टीम युग को ढूंढ रही है, अगर वो जिंदा होता तो अभी तक मिल जाता, पर शायद वो जिंदा नहीं है। क्यों राजा जी, जिंदा नहीं है ना? युग ने अपनी दादी को मारकर उसका इल्जाम मेरी बेटी पर लगाया। मेरे बेटे को मारने की कोशिश की उसने। इतने खूंखार क्रिमिनल को पकड़ने के बदले आप हमें परेशान कर रहे हैं। ऐसा तो आप कह रहे हैं मोहन जी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि युग की दादी को आपने मारा हो। और ये सब गेम प्लान सजाया हो ताकि मुझे गुमराह कर सके। होने को तो कुछ भी हो सकता है मोहन जी, पर हम पुलिस वालों का काम है शक करना, क्योंकि जब तक निर्दोष साबित ना हो जाए सभी दोषी होते हैं। जी नहीं, दोषी साबित होने तक सब निर्दोष होते हैं। वो तो कानून की नजरों में होता है राधा जी, पर मेरी नजरों में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नजरों में जब तक निर्दोष साबित ना हो जाए तब तक सभी दोषी होते हैं। वो एक्चुअली काम करने का तरीका ही मेरा थोड़ा डिफरेंट है मेरी तरह। अब गेम स्टार्ट हो चुका है दोनों तरफ से। आप अपने आप को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश कर लीजिए और मैं आपको दोषी साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं कौन जीतता है।